हे गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। आज हम लोग सीखेंगे मौर्य काल को, और मौर्य काल को आपको फील कराना मेरा मुख्य कार्य है। मौर्य काल पढ़ें तो उसको फील हो जाए, आप में आपके अंदर वो आ जाए पूरा सारी घटनाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य काल के संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पे एक नए साम्राज्य की नींव रखते हैं, जिसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को ही भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक कहा जाता है। ऐतिहासिक शासक कहने का अर्थ यह है कि इनके समय से ही हमें सारी घटनाओं का एक सजाया हुआ तिथि क्रम, एक डेट मिल पाता है। इसी वजह से इनको भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक कहा जाता है, और इन्हें ही विदेशी दासता से मुक्त कराने वाला प्रथम शासक कहा जाता है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि इनसे पहले जब नंद वंश का यहाँ पे शासन था, तो भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पे, और उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे सिकंदर विजित करके चला गया, तो यहाँ पे जो प्रांतपति नियुक्त किया था, वो लोग यहाँ भारतीय लोग बहुत अधिक मात्रा में सताया करते थे, शोषण करते थे। तो ये बात पता चला चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचा, मार के भगा दिया। तो ये लोग गया कहाँ पे, यूनान। तो सिकंदर तो मर चुका था, तो सिकंदर का उत्तराधिकार माना सेल्यूकस निकेटर के पास गया। ये लोग जिसको मार के खदेड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, जा कहा कि सर देखिए ना महाराज, कि एगो नया राजा बना है, हम लोग को मार के भगा दिया है और सब जगह जीत रहा है, कहा ये बात है, चलिए तो फरिया लिया जाए। तो ई लेके आया सेना, अब मैंने अपने हिसाब से वो बड़ा सेना लेकर आया, और उसको पता नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य एगो तो बिहारी, ऐसे भी जानते हैं एगो बिहारी सौ पे भारी, ऊपर से 600,000 की सेना, हाथी उथी की सेना लेकर पहुंच गया। अब हाथी उथी की सेना लेकर पहुंच गया ये, ठीक। तो वो लोग क्या हुआ कि भीड़ में देख के भाग गया, डरे भाग गया, मतलब लड़ाई हुआ, लड़ाई में वो लोग भाग गया इतना सेना देख के। अब भाग गया तो बचा सेल्यूकस निकेटर, तो कहा कि देखो ना, देखिए ना कि लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, चलिए लड़ाई झगड़ा हो गया, अब चलिए संधि कुछ कर लिया जाए। तो क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, उनको लड़ैया में उन सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी मैंने पसंद आ गई, तो कहा कि ठीक है, संधि तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मेरा एक शर्त है, कहा कि हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। तो कहा कि चलिए अब तो लड़ाई हारिए गए हैं, अब शादी कर लेते हैं, दामाद बना लेते हैं, कि जान दो मैंने बेटिए का ना हो गई सब क्षेत्र बात, तो चलिए मारिए, हाँ ठीक है। तो संधि हुआ, तो संधि में सबसे पहले क्या कहा कि अपने पुत्री का हेलेना, जिसका कार्लेनिया भी है, उसका विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसे ही भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह इसे ही माना जाता है। उसके बाद कहा कि ठीक है, हम विवाह कर लिए, तो अब हम इस क्षेत्र में क्या करने आएंगे, हम हैं यूनान देने के, हमको इस इधर से क्या मतलब है, तो ये जो मेरा क्षेत्रवा है कंधार, काबुल, हेरात और मकरान, ये आप ही ले लीजिए। तो क्या हुआ कि संधि में काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र दे दिया, किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद ये चला गया और कहा कि ठीक है, हमारा बेटी का मैंने कुछ मतलब चिट्ठी उठी ले जाने काम करेगा ना, बताएगा ना कि हाँ मेरा बेटी ठीक ठाक है, तो एगो राजदूत नियुक्त कर दीजिए। वो राजदूत मेगस्थनीज नियुक्त हो गया, और मेगस्थनीज का ही बुक का नाम क्या है, इंडिका। और भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत आपसे पूछ देगा तो मेगस्थनीज को ही कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ देखिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बताएं कि इनका गुरु थे चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखा था, यहाँ पर अर्थशास्त्र नामक बुक लिखा था। उसके बाद देखिए, अब इतना जितना लिया था अभी तक कौन लिया था, संधि में चंद्रगुप्त मौर्य लिया था, चौथा जो संधि का सर था चंद्रगुप्त मौर्य का किया ना कि 500 हाथी दे दिया उपहार में सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और हम लोग कौन सा घटना देते हैं कि 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रथम संगीति का आयोजन किया गया पाटलिपुत्र में। जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ किया गया, पाटलिपुत्र में 300 BC में। इसी संगीति में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, एक भद्रबाहु के नेतृत्व में और एक स्थूल भद्र के नेतृत्व में। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ उसका नाम दिगंबर था, और जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में गठन हुआ उसका नाम था श्वेतांबर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में 312 में भयंकर अकाल पड़ गया था। अब जब भयंकर अकाल पड़ गया था तो क्या हुआ कि पानी कम हो गया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का किया कि जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पे एक झील का निर्माण कराया। किससे करवाया था, तो पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देके एक झील का निर्माण कराया, और झीलवा का पानी
मगध तक ले आया, इसे मतलब कुछ राहत का कार्य किया। ठीक है, आपसे पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और आपसे पूछेगा कि तो सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था, तो पुष्यगुप्त वैश्य था। सौराष्ट्र किसको कहा जाता है, तो महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में और एक लाइन हम देख सकते हैं कि अपने अंतिम समय में कहा गया कि चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपनाया, उसके बाद भद्रबाहु के साथ चला गया कहाँ पे, कर्नाटक का श्रवण बेलगोला, और वहीं पे एक पहाड़ी है जहाँ पे सल्लेखना पद्धति जैन धर्म में एक पद्धति है जिसके द्वारा खाना का त्याग कर दिया जाता है, और मतलब ये खाना का त्याग करके अपना जो क्या कहा जाता है, पहाड़ पर बैठ के एकांत में ये क्या कहा जाता है, उसको जाप करके भगवान में मतलब ये इस शरीर को त्याग दिया जाता है। ठीक है, भूखे खाना वाना का त्याग करके ईश्वर में विलीन हो जाना, ये संलेखना पद्धति है। ठीक है, 298 BC में अपना देह त्याग देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं, तो बिंदुसार कौन थे, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे। ठीक है, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम था दुर्धरा। ठीक है, बिंदुसार भारत का प्रथम सीजेरियन शासक माना जाता है। सीजेरियन शासक कहने का अर्थ है कि सर्जरी से पैदा होने वाला प्रथम शासक कौन है, तो सर्जरी से पैदा होने वाला प्रथम शासक बिंदुसार है। तो देखिए कहानी यह है ना कि जब एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य खाना खा रहे थे, तो खाना खाते खाते चंद्रगुप्त मौर्य कहीं चले गए, तो जो उनकी पत्नी थी दुर्धरा का कि ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है झूठा खाना खा ली, और चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही विष लेते थे ताकि विष कन्या के प्रकोप से बच सके। ये बात दुर्धरा को पता नहीं था, उनका झूठा रोटियां खा ली कि रोटियां फेंका जाएगा, चलिए खा ही लेते हैं। तो क्या हुआ कि ये तो मतलब मर गई ये बात मतलब खाई, तो अब जहर फैल गया तो शरीर तड़पने लगा, मतलब छटपटाने लगी, तो आज चंद्रगुप्त मौर्य तो तब तक डेथ हो गई थी। तो कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य छुरी निकाले, तुरंत पेट चीरे और बिंदुसार को निकाल लिए, गर्भवती थी। तो उसके बाद तब तक बिंदुसार के सर तक मतलब ये क्या कहता है जहर फैल चुका था। अब क्या हुआ कि उसका चिकित्सा मतलब उसको मेडिसिन उसे दे के बचा तो लिया गया, लेकिन जहर का जो डॉट बन गया था सर में जगह जगह, उसी को बिंदु डॉट को उसी के हिसाब से उसका नाम बिंदुसार रख दिया गया। ठीक है, अब बिंदुसार जो है कोई भी साम्राज्य विस्तार का काम नहीं किए। बिंदुसार ज़्यादा शादीवादी में मतलब ज़्यादा व्यस्त थे। बौद्ध का एक पुस्तक है जिसका नाम महावग है, उसके अनुसार बिंदुसार का 101 लड़का था। ठीक है, अब देखिए बिंदुसार का एक मुख्य कार्य में देख सकते हैं कि सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम को पत्र लिख के 3 चीज़ मांगा बिंदुसार। पहला मांगा विदेशी मीठी शराब, सूखा मेवा, फिर दार्शनिक मांगा। तो जो एंटियोकस था, एंटियोकस ने शराब दे दिया, अंजीर दे दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया। कहा है कि उन लोग का जो वहाँ का नियम था उसमें कहा था कि दार्शनिक को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफ़र किया जाता था, बदले में इसके दरबार में एक राजदूत भेज दिया। ठीक, राजदूत भेज दिया डायमेक्स नाम से, दार्शनिक को नहीं भेजा, राजदूत को भेज दिया डायमेक्स नाम से। ठीक है, उसके बाद इसके शासनकाल में मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में एक और भेजा था डायनोसियस नामक राजदूत। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत भेजा था उसका नाम क्या था, तो डायनोसियस था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी प्रधानमंत्री था, लेकिन बिंदुसार के समय भी प्रधानमंत्री था कुछ समय तक। उसके बाद राधागुप्त नामक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, PM बने। उसके बाद राधागुप्त अशोक के समय तक रहे थे। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों का एक मंत्रिपरिषद था जिसका प्रधान खट्टालक कहा जाता था। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देख सकते हैं कि बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसका प्रधान खट्टालक होता था। ठीक है, उसके बाद हम बिंदुसार में यही कुछ बातें थे। उसके बाद हम अशोक को देख लेते हैं। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और अशोक की माता का नाम था धम्मा। ठीक है, धम्मा जिसका सुभद्रांगी वर्ण देवी जनपद कल्याणी कहा गया है। ठीक है, अब देखिए जो अशोक था ना, अशोक था जो बचपन से ही कुरूप था और बहुत क्रोध वाला व्यक्ति था। ठीक है, क्रोध वाला व्यक्ति था। तो क्या हुआ कि एक बार रनिवास में बैठी जो रानी थी 500 रानी, इसका मजाक उड़ा दी, 500 रानी ये कटवा दिया।
फिर क्या किया कि जब ये शासक जब मतलब बिंदुसार का मृत्यु हुआ तो उस समय यह उज्जैन का प्रतिपाल था या प्रांतपति था, उज्जैन का प्रांतपति था। अब उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ तो अपना 99 भाई को हत्या कर दिया, 99 भाई को हत्या करके 99 भाई को हत्या करके 269 बीसी में यह गद्दी बैठ गया। अपना जो एक भाई था तिस्त नामक उसको नहीं, उसको छोड़ कर सबको मार दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए राज्यभिषेक के 8वें वर्ष, राज्यभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में यह कलिंग का युद्ध करता है, कलिंग का युद्ध करता है। अब कलिंग से युद्ध का मुख्य कारण क्या है तो एक बार यहाँ पे समझिए, देखिए ये है अपना इंडिया, यहाँ पे था मगध, इसी के नीचे था कलिंग। तो क्या हुआ था ना कि अशोक अशोक सारे क्षेत्र यहाँ से जो मकरान वाला क्षेत्र है सारा क्षेत्र जीत लिया था, लेकिन इसके पास कहीं एक क्षेत्र जो था वो स्वतंत्र था। तो सबसे पहला बात कि अशोक का कलिंग विजय करने का कौन कौन सा कारण था, तो सबसे पहला बात कि कलिंग का स्वतंत्र होना, कलिंग का स्वतंत्र होना, ठीक है। दूसरा बात कलिंग का जो शासक था नंदराज वो बिंदुसार का एक बार अपमान किया था इस वजह से। फिर तीसरा बात कि यहाँ से देखिए ये लोग जो अशोक था वो उसको मतलब अगर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना होता था तो यहाँ कलिंग को पार करके जाना पड़ता था। यहाँ पे एक ताम्रलिप्ति नामक एक बंदरगाह था, वहाँ पे आता था लोग, इस वजह से भी तीसरा कारण यह था। और चौथा कारण यह था कि यहाँ पे सूती वस्त्र और हाथी दांत का मतलब ये क्या कहता था उत्पादन होता था, यहाँ से निर्यात किया जाता था कलिंग से। और इसके समय में अपना आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कहा जाता है कि जब शासक बना तो ये सारे अर्थव्यवस्था जो इसका मतलब उत्तराधिकार संघर्ष में जो मगध का अर्थव्यवस्था थोड़ा ढीला पड़ गया था, इस वजह से भी यहाँ पे मतलब आर्थिक धन उन प्राप्त हो, सूती वस्त्र यहाँ था और हाथी दांत का व्यापार होता था, हाथी दांत यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से आक्रमण किया। तो ये चार कारण आप मुख्य रूप से याद रख सकते हैं कि अशोक का कलिंग पे आक्रमण करने का, ठीक है। तो कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध जब होता है तो अशोक 2.25 लाख लोगों को मतलब कटवा के खून का नदी बहा देता है, ठीक है। तो जब सब मर जाता है तो एक बचता है, एक बालक आता है इसके सामने, आके कहता है कि अभी कलिंग का अंतिम योद्धा हूँ मैं, हंसता है उस पर, ठीक है, और तलवार निकाल के कहता है कि मेरा सामना कर, ठीक है। तो उस लड़का का नाम था निग्रोध। तो निग्रोध नामक एक लड़का आता है और इससे कहता है कि अभी कलिंग का अंतिम योद्धा मैं हूँ, मुझसे आके मेरा सामना कर, ठीक है। और हंसते हुए कहता है कि तू मतलब कैसा राजा है, राजा का तू कोई भी कर्म ही नहीं फॉलो करता है, राजा का मतलब अपने प्रजा को सताना मुख्य कार्य नहीं है, ठीक है। तो यह बात जो है अशोक के मन में मतलब अशोक को युद्ध से मतलब हृदय परिवर्तन का कार्य करने का कार्य कौन करता है, निग्रोध नामक एक लड़का। तो यहीं पे आपसे पूछेगा कि बताइए कि सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कलिंग का शासक कौन था, तो कलिंग का शासक तो बोल दीजिएगा नंदराज था, ठीक है। यहाँ पे कलिंग का शासक नंदराज था, लेकिन आपको पूछेगा कि बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित कौन किया था, तो देखिए दीक्षित करने का जो घटना है उसको बहुत सारा बुक में अलग अलग दिखाया गया। दीपवंश और महावंश के अनुसार निग्रोध नामक जो बालक था उसी ने बौद्ध धर्म को मतलब कहा कि बताओ कि अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे से तो बहुत बड़ा गलती हो गई जब कलिंग का युद्ध हुआ, तो कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी, संघम शरणम गच्छामी, ठीक है। बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ, यह बात उसके मन में बैठ गया और उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। किसके अथीफ कहने पे, तो निग्रोध नामक बालक के कहने पे, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि बताइए किस पूर्णतः बौद्ध किसके कहने पे हो गया, तो मोगली पुत्तीसस के कहने पे पूर्णतः बौद्ध हो गया। और इसके बाद यहाँ पर समझ कलिंग युद्ध के बाद किसके कहने पे, निग्रोध नामक बालक कहने पे। अब देखिए थोड़ा सा ये पॉइंट देख लीजिए, कलिंग आक्रमण का उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने वहाँ पे 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए, पहला तोसली और दूसरा संपा। तो तोसली जो था राजधानी था कलिंग का राजधानी बनाया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि देखिए, और आप यहाँ पे एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि कलहन की राज तरंगनी जिस भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है उसके अनुसार अशोक ने झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। अब देखिए अशोक यहाँ पे निग्रोध नामक बालक उसको बौद्ध धर्म दीक्षित करता है, लेकिन मोगली पुत्तीसस के प्रभाव में आकर वह पूर्णतः बौद्ध हो जाता है। उसके बाद अशोक के शासनकाल के दौरान तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मोगली पुत्तीसस ही होते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र में होता है तीसरी बौद्ध संगीति।
और एक बुक है दिव्य वेदांत। देखिए आपसे पूछेगा दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, तो निग्रोध ने। अब किसके प्रभाव में आके, तो मौलिक इस प्रभाव का हमें पूर्णतः बोध हो गया था। लेकिन अब एक दिव्य वेदांत नामक बुक है उसमें कहता है कि उपगुप्त है जो बौद्ध भिक्षुक था उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक का धम्म, धम्म देखिए क्या है कि अशोक जो है ना अपना जनता का नैतिक उत्थान हेतु, मतलब उसका नैतिक उत्थान हो सके, ठीक है, तो उसके लिए एक नियम बनाया था, एक संहिता बनाया था जिसको कहा जाता है धम्म। उस धम्म में कहता है अशोक कि धम्मो साधु, धम्म सबसे अच्छा है। फिर कहता है किम चे धम्मति, धम्म क्या है, उसका जवाब में वही कहता है कि उपासिन्वे बहु कयाने दया दाने सची सोचे माधवे साधवे चे धम्मति। उपासिन्वे बहु कयाने, उपासिन्वे यानी पाप से मुक्ति, बहु कयाने बहुत लोगों का कल्याण करना, दया दाने दया और दान का भाव रखना, सची सोचे मतलब कि जो सोच है उसमें आपका शुद्धता होना चाहिए, माधवे साधवे व्यवहार की मधुरता और वाणी की मधुरता ही धम्म है। ठीक है, यह बात को कहता है। अब देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था जिसे पुष्यगुप्त ने मार डाला और अशोक वंश की स्थापना की। यही था, अशोक के बाद बौद्ध ये मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो ये मौर्य साम्राज्य का एक मतलब हम आपको बताएं, अब प्रशासन संबंधित नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।